हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि चरमपंथी संगठन की सैन्य शाखा का कमांडर मोहम्मद दीव अभी जिंदा है। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस के साथ एक साक्षात्कार के दौरान हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने कहा कि अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख मोहम्मद दीव अभी ठीक है। हमास अधिकारी का बयान इसराइल के उस दावे के खिलाफ है जिसमें कहा गया था कि उसने दीव को मार गिराया है। इसराइल ने बताया था कि 13 जुलाई को किए गए एक ऑपरेशन में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीव को मार दिया गया था। इसराइल ने 1 अगस्त को इसके चलते बयान जारी कर ये बताया था कि खुफिया जानकारी के आधार पर दीव के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। ये पहली बार है जब हमास के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने मोहम्मद दीव के मारे जाने के इसराइल के दावे पर अपनी टिप्पणी की है। हमदान ने कहा कि इसराइल ने दीव को मारने का केवल इसलिए दावा किया था ताकि उस दिन के नरसंहार को उचित ठहराया जा सके। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 13 जुलाई को गाजा के खान यूनिस में हुई बमबारी में 13 फिलिस्तीनी मारे गए थे। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमला खान यूनिस के अलमबासी जिले में विस्थापित लोगों के आवास वाले टेंटों पर किया गया था और इसमें लगभग 290 लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। इजरायली सेना के रेडियो ने हमले के बाद बताया था कि रक्षा सूत्रों ने हमलों के लक्ष्य के रूप में मोहम्मद दीव की पहचान की है। हालांकि हमास ने उस समय इस दावे को बेबुनियाद और बकवास बताते हुए खारिज कर दिया था। 13 जुलाई को गाजा में हमास उप प्रमुख खलील अल हैया ने अल जजीरा अरबी को यह बताया कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नकली जीत की घोषणा करना चाहते हैं। हैया ने दोहराया था कि दीव को निशाना बनाना इसराइल का एक झूठा दावा था। वही मंगलवार 13 अगस्त को एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए हमदान ने संघर्ष विराम वार्ता को लेकर के भी बातचीत की। हमदान ने कहा, हमास इस सप्ताह होने वाली वार्ता में केवल तभी भाग लेगा जब यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मई में प्रस्तुत विस्तृत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित प्रस्ताव को लागू करने पर केंद्रित होगी। बता दें कि हमदान हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं। इसमें इस समूह के शीर्ष राजनीतिक नेता भी शामिल है और इसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमास का दावा सही है कि दीव अभी जिंदा है, या फिर इसराइल ने जो 13 जुलाई को हमला किया था और ये दावा किया था कि उसने मोहम्मद दीव को मार गिराया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।